खबर कहां से है? हमारे जम्मू कश्मीर से। शांति की छांव में जम्मू कश्मीर था, वहां पर चुनावों में खुशहाली की चहक थी, लेकिन एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर में आतंक की छींटे पड़ी हैं और इन छींटों का इलाज आतंकियों की संहार कथा ही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने एक बार फिर से कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया। सेना के जवान कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर बरनोटा में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। पेट्रोलिंग के लिए वहां जो सेना की गाड़ी गई हुई थी वो इतनी दूरी पर थी। पहाड़ी के बीच का ये जो रास्ता था, यहां पर आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर, सेना के वाहन पर पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवानों ने जवाबी फायरिंग की तो ये आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। हालांकि इस हमले में हमारे पांच जवान शहीद हुए हैं और पांच घायल भी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पंजाब के पठानकोट में सैनिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को खोजने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और सेना के इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कठुआ के एक घर से जवानों को बंकर भी मिला है। बताया यह जा रहा है कि स्थानीय घरों में आतंकियों के मददगार इन्हीं बंकरों में हथियार छिपाकर रखते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस और आर्मी ने इस बंकर का पता लगाया। आपको ये बंकर कुछ देखे देखे से लगते होंगे। दरअसल ये तस्वीर पहले आप देखिए, दोनों को कंपेयर करती हूं। हमास छिपने के लिए ठीक ऐसे ही बंकर्स का इस्तेमाल करता रहा है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक है हमास का बंकर और दूसरा वो बंकर है जो कि सेना को कठुआ के एक घर से मिला है। यानी कि यहां पर भी आतंकियों के मददगार छिपे हुए हैं। न सिर्फ उनको छिपने की जगह दी बल्कि उनको खाना पीना तक मुहैया कराया गया। कठुआ में जहां पर एक तरफ आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो कुलगाम में यह बंकर सेना को बरामद हुआ है। अलमारी के अंदर किस तरीके से यह बंकर बनाया गया, यहीं पर यह आतंकी छिपते थे। कुलगाम में हमास जैसा बंकर मिला है जिसको सेना ने ढूंढ निकाला है। यहां पर गौर करने वाली एक और बात है कि हमला ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि बीते 9 जून को जम्मू के रियासी में हुआ था। 9 जून आप याद करें, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे और उसी समय जम्मू के रियासी से यह खबर आई कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया। इसकी वजह से यह बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई जबकि 42 लोग घायल हुए थे। और इस बार भी कठुआ में सेना के वाहन पर जो हमला हुआ, यहां पर भी वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है। आतंकियों ने ऊंची पहाड़ियों से सेना के ट्रक पर हमला किया। यहां पर टारगेट ड्राइवर ही था, लेकिन कठुआ में संकरा और कच्चा रास्ता होने की वजह से ट्रक की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से हमले के बाद भी ट्रक खाई में नहीं गिरा। शहीद हुए पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे और आज शाम पांचों जवानों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड के देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन हम यहां पर बड़ी गंभीरता के साथ एक ये सवाल रखना चाहते हैं कि ये सब कब तक चलता रहेगा। बीते शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने इस मौके पर जो कुछ भी कहा वो सुनकर पूरा देश भावुक उठा था। 5 महीने पहले ही कैप्टन अंशुमन की स्मृति से शादी हुई थी और आप सोचिए, स्मृति के हाथों की मेहंदी भी ठीक से छूटी नहीं होगी और उनका सुहाग दुनिया को छोड़कर चला गया क्योंकि वो सियाचिन में देश की रक्षा कर रहा था। We met on the first day of college and I
would not be dramatic, but it was love at first sight. From then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. आपको कुछ सेकंड्स के लिए एक बात सोचने के लिए कहती हूं। ये जो आपने सुना, ये एक परिवार की कहानी है जिसे सुनकर पूरा देश भावुक हो उठा था। लेकिन देश की रक्षा करते हुए जब हमारे वीर जवान शहीद होते हैं तो उनके साथ उनका एक पूरा परिवार टूट जाता है। ऐसा ही कुछ आज उन 5 परिवारों के साथ हुआ जिन्हें इन आतंकियों ने किसी कायर की तरह निशाना बनाकर पहाड़ी से छिपकर इन पर हमला कर दिया। इस हमले में जिन राइफल्स का इस्तेमाल किया गया, ये M4 सीरीज की राइफल्स हैं जिन्हें अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दिया था। ऐसे में क्या अब अमेरिका पूरी दुनिया को यह बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी सेना को दी गई उनकी राइफल इन आतंकियों के पास कैसे पहुंची? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को ये राइफल्स देते वक्त दावा करता है कि वो आतंकियों के सफाई के लिए पाकिस्तान को ये हथियार, ये राइफल्स दे रहा है। लेकिन यहां पर हो ठीक उल्टा रहा है। जिन आतंकियों के सफाई के लिए पाकिस्तानी सेना को ये राइफल्स दी गई, वही आतंकी अब इन राइफल्स का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। कठुआ में हुए आतंकी हमले में इसी M4 सीरीज की राइफल का इस्तेमाल हुआ और जिन राइफल्स का इस्तेमाल बीते 9 जून को हुए रियासी हमले में भी हुआ था और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तानी सेना के अलावा इन राइफल्स का इंपोर्ट रूट एक और भी है, लेकिन यहां भी ओरिजिन अमेरिका से ही होता है। साल 2021 में अमेरिकी सैनिक जब अफगानिस्तान छोड़कर गए थे, तब अमेरिकी सैनिकों ने अपने छोटे बड़े हथियारों को वहीं पर छोड़ दिया था, यानी कि ये सैनिक वहां से खाली हाथ अफगानिस्तान से लौटे और छोटे बड़े करीब 6 लाख हथियार वहीं पर छोड़ दिए गए। इसमें पिस्टल थी, राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, इसके साथ M4 कार्बाइन शामिल थी। लेकिन जब अमेरिकी सैनिक अपने ये हथियार वहां पर छोड़कर चले गए थे, तब इन हथियारों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था और तभी यह कहा गया था कि देर सवेर ये हथियार पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच ही जाएंगे। और आज इन आतंकियों के पास से ये हथियार मिलना सबसे बड़ी चिंता की बात है। कठुआ इलाके से एक आतंकवादी के पास से अमरीकी M4 राइफल का बरामद होना और कुछ समय पहले आतंकवादियों से चीनी के बने हुए हथियार बरामद होना, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये बात साफ स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थन आतंकवादियों को अमरीकी और चीन के बने हुए आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिससे कि उनका आतंक जम्मू कश्मीर में इस साल के शुरुआत से बढ़ चुका है। बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय सुरक्षा बलों को उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जो छुप छुप के इन आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, क्योंकि आतंकवाद तभी पनप सकता है जब कुछ स्थानीय लोग उन्हें समर्थन दे। ये आतंकी कश्मीरियत के दुश्मन हैं। आज जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है, वो वोट करना चाहता है और यही बात इन आतंकियों को सबसे ज्यादा चुभने लगी है। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर की हंसजा शर्मा को प्रतिष्ठित सिल्वर चीता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वो ये ट्रॉफी हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी थी और सोचिए वो जम्मू कश्मीर से थी। जम्मू कश्मीर की इनायत वत्स, जिनके पिता मेजर नवनीत वत्स उस वक्त शहीद हुए थे जब इनायत महज 3 साल की थी, और जब वो बड़ी हुई तो वो भी सेना में शामिल हो गई। वो सेना में लेफ्टिनेंट बनी।
इसी तरीके से साल 2019 से 2023 तक की अगर बात करें तो इन चार सालों में जम्मू कश्मीर के 61 युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। यानी कि आज जम्मू कश्मीर का युवा शांति चाहता है, सफल होना चाहता है और यही बात इन आतंकियों की बौखलाहट की वजह है। इन आतंकियों की एक बौखलाहट यह भी है कि ये आतंकी और पाकिस्तान दरअसल चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से ना बने और अब ऐसा हुआ नहीं तो इन आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आई। बीते 71 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर 9 आतंकी हमले हुए हैं। 28 अप्रैल उधमपुर के एक गांव में आतंकियों ने गोलीबारी की और इस हमले में एक विलेज डिफेंस गार्ड की मौत हुई। 4 मई को पुंछ के शाहिस्तार में एयरफोर्स जवानों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ जिसमें एयरफोर्स के अफसर विकी पहाड़े शहीद हुए और 5 जवान घायल हुए। 9 जून रियासी के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिरी, 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 11 जून कठुआ जहां का हीरा नगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकी मारे गए और आतंकियों के हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल भी शहीद हुए। 12 जून को डोडा में 2 हमले हुए। चत्तरगाला चेक पॉइंट पर हमले में 1 एसपीओ और 5 सैनिक घायल हुए। गंडोह में सर्च टीम पर हुए हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 26 जून को डोडा के गंडोह में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 1 जवान घायल हुए। 7 जुलाई राजौरी के मंजाकोट में सेना के कैंप के पास आतंकी हमला हुआ जिसमें 1 जवान घायल हुए। 8 जुलाई और अब कठुआ में हमला जिसमें हमने अपने 5 जवान खो दिए। अब आप खुद सोचिए ये आतंकी असल में किसके दुश्मन है। आतंकी घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान किसी का अगर होता है तो वो कश्मीर का होता है, कश्मीरियों का होता है, कश्मीरियत का होता है। और जब जम्मू में ये आतंकी छिपे हुए हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा कश्मीर के लिए है। ये जम्मू कश्मीर को कभी भी शांति से रहने देना नहीं चाहते और ऐसे में इनकी संहार कथा लिखने का समय आ चुका है और ये आखिरी प्रहार ही होना चाहिए। क्योंकि बड़े ध्यान से समझिए इसे, अगर हमारे 5 जवान शहीद हुए तो हम 5 या 10 आतंकियों को मारकर इसे बदला नहीं कह सकते। क्योंकि क्या हमारे वीर जवानों को उन आतंकियों के साथ नापा भी जा सकता है? क्योंकि उन आतंकियों की जान की कोई कीमत ही नहीं, वो मरने के लिए आए हैं। हम 10 आतंकियों को भी मारते हैं तो उनके आका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा 1 जवान जब शहीद होता है तो पूरे देश में आंखें नम होती हैं। एक पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट जाता है। ऐसे में ये शॉर्ट टर्म बदला स्टोरीज रुकनी चाहिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। कब तक हम निंदा करते रहेंगे? कब तक हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे? कब तक हम इन शहीदों के परिवारों के आंसुओं को देखते रहेंगे? ऐसे में हमारा मानना है कि एक ठोस मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत है जहां पर इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का वक्त आ चुका है। और जो हमारी सरकार भी कहती है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।